हे भगवान कैसी पत्नी मिली है, मेरा तो मुकद्दर ही फूट गया, और कल जो तूने बटन लगाया था आज फिर टूट गया। मुझे बेवकूफ समझते हो जो ये बहाना बना कर लाए हो? सच सच बतला दो, किससे जोरा जोरी करके आए हो? अरे बल्लो, जिंदगी किस भागम भाग में पसीने छूट जाते हैं, पैसे बचाने के लिए करते मेट्रो में सफर और धक्का मुक्की में बटन टूट जाते हैं। सब जानते हैं हम, ये मर्द ऐसे ही हमें बेवकूफ बनाते हैं, जहां भी मेट्रो या बस में लड़की देखी सट के खड़े हो जाते हैं। अरे वल्लभ, तू तो बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रही है, जितना बोल रहा हूँ प्यार से, लगता है अब तो काम लेना ही पड़ेगा तलवार से। अच्छा, बड़ी तलवार उठाकर अपनी मर्दानगी दिखाते हो? इतने ही बड़े मर्द हो तो सुई धागा उठाकर अपना बटन खुद क्यों नहीं लगाते हो? हे भगवान, इससे तो अच्छा था मैं किसी दर्जी की बेटी को ब्याह लाता, और ऐसी पत्नी की क्या आरती उतारूं जिसे बटन लगाना भी नहीं आता। देख लीजिए आप लोग, ऐसे ही मर्दों को हम औरतों का आगे बढ़ना नहीं भाता है। हम जा पहुंची हैं चांद पर, और ये मर्द कहते हैं हमें बटन लगाना नहीं आता है। अरे चांद की बात मत कर बल्लो, मेरा दिल खिलखिल जाता है, और मेरा चांद तो तब निकलता है जब छत पर पड़ोसन का चेहरा नजर आता है। ये रंगीला रसिया भी क्या खूब इतराता है, इतना भी नहीं जानता हमारा नया पड़ोसी भी तो छत पर मुझे ही देखने आता है। हाँ, उस दिन पड़ोसी से कह रही थी लाइए आपका बटन लगा दूं, दिल तो क्या उसे धक्के मार के मोहल्ले से भगा दूं। अच्छा, पड़ोसी का बटन लगा दिया तो इनको चेड़ मचा दी। अरे ये क्यों भूलते हो उसके परफ्यूम की तारीफ करके तुम्हारे लिए मुफ्त में मंगवा दी। अरे बल्लो, वो बड़ा मक्कार है, भाभी जी कह के हाथ जोड़ता है, और तू इतना भी नहीं समझती, वो जानबूझ के बटन तोड़ता है। भाभी जी कहा है तो फिर भाभी का फर्ज निभाऊंगी, अब वो बटन जानबूझ कर तोड़े या खुद टूटे, मैं तो भाभी हूँ, हरदम बटन लगाऊंगी। भाड़ में जाओ तुम दोनों, पर ये बता कल मैं ऑफिस में क्या पहन कर जाऊंगा, और मर्द होकर अपना बटन क्या खुद लगाऊंगा? वो मर्द नहीं जो लेडीज टेलर बन जाते हैं, तुमसे कमीज का बटन नहीं लगता, वो तो ब्लाउज के हुक तक लगाते हैं। अरे बल्लो, तू मुझे एक बटन के लिए तरसाती है? एरोप्लेन में तो बटन दबाते ही एयर होस्टेस दौड़ी आती है। हाय रब्बा, अब तो ये रंगीला रसिया कोई ऐसा बटन दबाए जिसे दबाते ही एयर होस्टेस नहीं, इसे 440 वोल्ट का झटका लग जाए। हे भगवान, अब तो दुआएं ही बचा सकती है मुझे मेरी माँ, और खुद क्या कम झटके देती है जो करंट का झटका रह गया बाकी। अच्छा, तो फिर अब ये झटका तुम्हें बल्लो ही दिलाएगी, और जाओ तुम्हारा ये बटन अब तुम्हारी माँ ही लगाएगी। भला हो वालों का, दीपक गोयल जी, भला हो फैशन वालों का, जो पेंट में बटन नहीं चेन है, वरना हम पुरुष अपनी किस्मत पर रोते, रोज बटन टूटता, रोज बेइज्जती करवा रहे होते। भाड़ में गई चेन, मैं तो अर्धांगिनी हूँ, आधा ही फर्ज निभाऊंगी, कल बटन मैंने लगाया था, आज तुमसे लगवाऊंगी। सब कहते हैं कि औरत पुरुष की छाया है, पर अशोक अग्रवाल जी आप हमारे मुख्य अतिथि हैं, आप ही बताओ कि आपकी पत्नी भी आपसे बटन लगवाया है? ओ रंगीले रसिया, ये अशोक अग्रवाल जी यहाँ सबके सामने थोड़े ही बताएंगे, तुम बटन लगाने की बात कर रहे हो, घर जाकर देख लेना, पत्नी के पांव भी दबाएंगे। सबके घर का यही हाल है बल्लो, मुझे देख कितना बड़ा कवि हूँ, कितने बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाता हूँ,
लेकिन बटन लगाने के नाम पर घर में चूहा बन के दुबक जाता हूँ। अरे तुम्हारे जैसे 100 चूहों को मैं बिल्ली बन के भगा देती हूँ, पर चलो नौझील के मेले में कह रहे हो तो लाओ दो, मैं बटन लगा देती हूँ। बटन तो लगा दे बल्लो, लेकिन जरा ध्यान से, पिछली बार सुई घुसा दी थी, छुट्टी लेनी पड़ी थी दुकान से। जब मर्द तुम जैसे हो तो त्रिया चरित्र की शक्ति ही दिखानी होती है, और मर्द शॉपिंग के लिए छुट्टी ना ले तो फिर इनको सुई ही चुभानी होती है। देख लो अनिल जी, अनिल जी देख लो, ये बल्लो मेरी सारी तनखा तो मिनटों में उड़ाती है और एक बटन लगाने में इतने नखरे दिखाती है। अनिल जी आप लोग खुद ही बताओ, जो इंसान पैसे बचाने के लिए हफ्ते में एक दिन साबुन से नहाएगा, वो क्या खाक अपनी बीवी को शॉपिंग करवाएगा? अरे बल्लो तेरी शॉपिंग के लिए तो पैसे बचाता हूँ, इसलिए पुरानी शर्ट में बटन लगा के काम चलाता हूँ। सही कहा, बहुत पसंद इनको अपनी माया है। ये जो कमीज पहनी है इसे मैं 10 बार रफू करवा चुकी हूँ और इसमें मैंने 70 बार बटन लगाया है। बल्लो तू एक बटन लगाने में इतना ऐठी है, उधर देख वो रूबिया खान मेरा बटन लगाने के लिए तैयार बैठी है। अच्छा तो यहाँ सबके सामने भी हो रही हैं आंखें चार और इनको दूसरों पर आ रहा है प्यार। तुम्हारा ये किस्सा कल ही खत्म करवाऊंगी और चलो मेरे साथ मार्केट, तुम्हें एक नई कमीज दिलवाऊंगी। देखा मफतलाल जी, मेरा तीर निशाने पर लग गया, मुझे नई शर्ट मिलेगी, मेरा सोया नसीब जग गया। ये रंगीला रसिया भी क्या खूब इतराता है, कल मार्केट जाऊंगी, इन्हीं का क्रेडिट कार्ड यूज कराऊंगी, कमीज इनको एक दिलवाऊंगी और साड़ियां अपनी 10 ले आऊंगी। थैंक यू, कैसा लगा आप सबको? तालियां मुझे बताएं जरा। ये कह रहे थे कि ये पतियों की सीख और सारी इम्यूनिटी शादी के बाद खत्म हो जाती है, तो हम औरतों से पूछ लो हमारी कौन सी इम्यूनिटी बढ़ जाती है? हम भी तो वही निबट लेते हैं, इतनी ज्ञानी होती है, हम सारा ज्ञान वही निबट जाता है हमारा भी। कलकल जी की पत्नी भी क्लास लेती है, ये मत सोचो यही लेते हैं। एक माँ ले गई इनकी पत्नी के पास एक बिटिया को, बोली ये शादी नहीं कर रही, समझवा दो कुछ दिमाग लगे। इनकी पत्नी ने बिठाया, बोली बेटा शादी क्यों नहीं कर रही? बोली मुझे जीवन में बहुत काम करने हैं, बहुत सफलता चाहिए मुझे, अभी बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत एक्सपेरिमेंट है। तो इनकी पत्नी ने एक ही बात समझाई, अगले दिन शादी के लिए राजी हो गई। बताओ क्या? हाँ, इनकी पत्नी ने समझाया कि देख तू जीवन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेगी। बोले हाँ। बोले जीवन में बहुत सारी पढ़ाइयां करेगी, बहुत आगे जाएगी, बोले ऑफिस में जाएगी। बोले जब कभी कुछ गलत हो जाएगा, गलती किसके मत्थे पड़ेगी? तो हंसना चाहिए, हंसना ही जरूरी है, और सच में ये बहुत अच्छा काम जो आप लोग कर रहे हैं, और बहुत बहुत साधुवाद राजेश जी को कि वो मुझे ऐसी जगहों पर ले आते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है आप सबके बीच आकर। रही बात टेंशन की, तो मैं हर बार यही कहती हूँ कि टेंशन तो लेने की चीज ही नहीं है, टेंशन लेनी नहीं चाहिए, शादी होते अपने आप तो आ जाती है। लेने की क्या जरूरत है, हम खुद घर में ऐसे ही रहते हैं, टेंशन तो घर में हम तो ऑलरेडी कम जाते हैं। राजेश ये कलकल जी कह रहे हैं हम तो होते ही ज्यादातर बाहर ही, तो टेंशन क्या लेनी। अब कोरोना काल में आप देख लो सारे पतियों ने ही टेंशन ली, जाते टीवी चैनल लगा के बैठ जाते थे, ऐसे बिठाती थी पत्नियां खाना खिला के, और वो मुंह ऐसे टेंशन देव देव को देव 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 हैं, इतने मर गए अमेरिका में हैं, इतने मर गए हैं, करते करते ही उनका बस टेंशन हो जाती थी। ये हम पत्नियों की हिम्मत है, हम हलवाई बनी रही, हमने समोसे जलेबी गुलाब जामुन बना बना के कहा कि खाओ पियो मौज करो सब ठीक हो जाएगा। तो ये कलकल जी कुछ भी कह रहे हैं, हमारी हिम्मत है, हमने हौसला बढ़ाया, हम टेंशन में नहीं आए। ऐसे मेरे सरदार जी ने किया, वो टेंशन में आ गए न्यूज चैनल देख के। मैंने बेटे को बुलाया पति के सामने, कहा मैंने कहा आज के बाद घर में न्यूज चैनल नहीं लगेगा। बोले क्यों? बोले ऐसा मुंह बना के बैठ जाते हो, टेंशन में आ जाते हो। बोले फिर मैं कहा कुछ भी करो, तो उन्होंने बेटे को आवाज लगा दी, बोले काके एक काम कर। बोला क्या? बोला एक थोड़ी सी
ज्यादा पुरानी नहीं, थोड़ी सी कोई पिक्चर दे दे, मैं पेन ड्राइव दे लेता हूँ। उन्हें बेटे ने लगा दी पान सिंह तोमर, और ये पान सिंह तोमर देखी, अगले दिन इरफान खान निकल गए। अगले दिन बेटे को कहा थोड़ी कोई पुरानी दे दे पिक्चर, वो देख लूं। बेटे ने दे दी प्रेम रोग, पति ने देखी, अगले दिन ऋषि कपूर निकल गए। तीसरे दिन पति ने आवाज लगा दी, काके शादी की वीडियो दे दे पेन ड्राइव। सरदार जी घर पर ही बैठे हो, मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कर रहा है? वो मेरी ओर देख के बोले, तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई, मैं एक बार भी नहीं बुलाऊंगा। कोशिश करो कि हंसते मुस्कुराते रहो। और अभी चार पांच दिन पहले एक घटना हुई, तो मैंने चार पंक्तियां उस दिन लिखी थी, वो चार पंक्तियां आपको सौंपती हूँ। और एक ऐसी घटना हुई कि आंख देखते सामने, वो घटना नहीं बताते क्योंकि फिर से तनाव में आएंगे, घटना बतानी जरूरी नहीं। उस दिन मैंने चार पंक्ति, कविता तो लंबी है पर चार पंक्तियां देती हूँ कि जिंदगी पता ही नहीं कितने दिन और कितने रातों की, जिंदगी पता ही नहीं कितने दिन और कितने रातों की, तो फिर क्यों परवाह करनी है छोटी छोटी बातों की। माना माना फेसबुक और ट्विटर पर लाखों हूँ अपने, पर बात कुछ अलग ही होती है रूबरू मुलाकातों की। तो कविता लंबी है लेकिन फिर कभी, लेकिन मैं जो कह रही थी कि टेंशन में मत रहो, ये विनीत है, इसने एक सज्जन थे उनसे पूछ लिया, बोले ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि दिल और हार्ट में फर्क क्या है। डॉक्टर साहब पूछ लिया इसने, बोले दिल और हार्ट में फर्क क्या है। सज्जन अनुभवी थे सफेद बाल वाले, बोले बेटे मैं तुझे बताता हूँ, जो तो तेरा जवानी में धड़के। तो मस्ती में रहना चाहिए, टेंशन लेनी नहीं चाहिए। हम तो सरदार जिन खानदान से हूँ, सरदारों के खानदान से हूँ, मस्ती में ही रहते हैं, टेंशन लेते ही नहीं। बहुत पुरानी घटना बता देती हूँ एक दो आपको, कि हमारे यहाँ पे मस्ती ऐसे होती है। मीनाक्षी जी, जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ तब की घटना सुनो। अब मेरे पति उस समय मुझे फौरन अस्पताल में छोड़ा, और हॉस्पिटल छोड़ के उनको कोई काम था, वो अपने ऑफिस चले गए। ऑफिस गए तो जब बेटा पैदा हुआ तो नर्स ने उन्हें फोन कर दिया कि सरदार जी मुबारक हो, आपके घर पुत्र पैदा हुआ। सुनते ही ऑफिस में सिर पकड़ लिया। साहब सबने पूछा क्या हुआ, बोले हैं टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई कि पत्नी को तो हॉस्पिटल छोड़ के आया था, पुत्र घर पे पैदा हो गया। ये कहते हैं उतनी बात सुनो जो अगले बंदे की गलती का है, उसने उतनी बात सुनी थी। अच्छा दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ कि दूसरी बार भी वो मुझे हॉस्पिटल छोड़कर फिर ऑफिस चले गए। तो जब पुत्र पैदा हुआ तो मैंने नर्स को कहा कि इस बार ये मत कहना कि आपके घर पुत्र पैदा हुआ। बोले क्यों? मैंने कहा तुम ये अंदर की बात है, तुम छोड़ो, तुम उनको मत कहना कि आपके घर पैदा हुआ, कुछ और कह देना। अब नर्स ने फोन घुमाया, सरदार जी ने उठाया, बोली सरदार जी बधाई हो, आप पापा बन गए एक बेटे के। सरदार जी बोले थैंक यू, पर मेरा एक काम कर दे, मान जाऊंगा। बोले क्या? बोले मेरी बीवी को मत बताना, आके सरप्राइज देता हूँ। पति बोले भगवान जी मेरी एप्लीकेशन छोड़ दे, पत्नी की लगा। हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं, हम दोनों एक दूजे से नहीं उस ऊपर वाले से डरते हैं,
वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कौन है जो आज दूसरों को हंसता है। एक जो ये सप्ताह है ये 15 अगस्त आ रहा है, 4 पंक्तियां देश के नाम सौंपकर, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत बड़े बड़े लोगों को सुनना है, और असली कविता तो मैं आप सब जो दान कर रहे हैं ये वो सुन चुकी हूँ। एक बार उन सभी दानियों के लिए तालियां बजाती हूँ। और जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आसानी से नहीं मिला था तो वहां कहीं लिखती हूँ शहीदों के लिए कि यूं तो उसका तुझसे न मुझसे कोई नाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कहीं से भी जरूरी नहीं है हर परिवार में शहीद हो, तो यूं तो उसका तुझसे ना मुझसे कोई नाता है, पर मत भूलना उसको जो सरहद पर जाता है, तुम हंसो मैं हंसूं और हंसता मेरा देश रहे, इन खुशियों की खातिर वो लिपट तिरंगे आता है। इन जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते, जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो जहाँ बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं।